गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बिकम सेमेस्टर थ्री अक्टूबर टू थाउजेंड नाइनटीन येस आज हम अक्टूबर टू थाउजेंड नाइनटीन का जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका डायरेक्ट लेबर एटले कि प्रत्यक्ष मजूरी आ, मैंने आप लोगों को डायरेक्ट लेबर प्रत्यक्ष मजूरी के सम्स करवा दिए हैं ये क्वेश्चंस आप देखेंगे यूनिवर्सिटी के देन यू रियलाइज़ कि हाँ हमने जो करा है वो परफेक्टली करेक्ट है और हम उस बेस पर उस वीडियो को देखकर हम सारे ડિરેક્ટ લેબર કે યુનિવર્સિટી કે ક્વેશ્ચન્સ કરી શકતે હે ઇન ગુજરાતી મીડિયમ પ્રત્યક્ષ મજૂરીના જે દાખલા છે સેવન અને સેવન માર્ક્સના બે દાખલા છે જે આપણે કરીશું ઇન ઇંગ્લિશ મીડિયમ હું એઝ યુઝ્યુઅલ હું તમને ઇંગ્લિશમાં વાંચીશ અને ગુજરાતી અને હિન્દીમાં એક્સપ્લેન કરીશ ઓકે સો ડિરેક્ટ લેબર કે સમ હિયર ઇટ ઇઝ ક્વેશ્ચન નંબર થ્રી ये वाला जो क्वेश्चन नंबर थ्री ए है जिसमें आपकी फ़ोर्टीन मार्क्स की थ्योरी है दिस इज़ यूनिवर्सिटी टू थाउजेंड नाइनटीन मार्क्स क्वेश्चन पेपर जो आपका फ्यूचर है राइट right? तो उसमें एनी टू शॉर्ट नोट्स है फोर्टीन मार्क्स के और उसके और में सेवन सेवन मार्क्स के सम्स हैं जो बच्चों को प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से आता है वो तो डेफ़िनेटली ये सम ही चूज़ करेंगे लेकिन जिन बच्चों को थ्योरी ज़्यादा समझ में आती है और सम कम समझ में आता है उनके लिए भी ये सम बहुत आसान है और ज़रूरी नहीं है कि फोर्टीन मार्क्स की थ्योरी ही आए हाँ ये भी मैं आपको बता दूँ फोर्टीन मार्क्स का डायरेक्ट लेबर का सेवन सेवन मार्क्स के सम के ऑप्शन में सेवन मार्क्स की थ्योरी और सेवन मार्क्स के सम्स इस तरह से भी कॉम्बिनेशन बन सकता है राइट सो so, बिना देर किए लेट स्टार्ट सबसे पहले क्वेश्चन थ्री ए वन का ये सेवन मार्क्स का है इन्फॉर्मेशन ऑफ फैक्ट्री फॉर अ स्पेसिफिक मंथ एक्चुअल प्रोडक्शन फिफ्टीन हंड्रेड टू फिफ्टीन हंड्रेड यूनिट्स इन टू हंड्रेड आवर्स डिटेल मैं लिख चुकी हूँ फिफ्टीन हंड्रेड यूनिट्स इन टू हंड्रेड आवर्स वेज रेट पर आवर पंद्रह रुपये दिए हैं और आपका जो स्टैंडर्ड टाइम है वो एक यूनिट का दस मिनट लगता है बनाने में ये टू हंड्रेड आवर्स हैं ये टेन मिनट्स हैं ये एक्चुअल है और ये स्टैंडर्ड है राइट right? तो स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर हम चेक करें तो एक यूनिट के टेन मिनट्स लगते हैं हमने हमको यहाँ पर फिफ्टीन हंड्रेड यूनिट्स बनाने हैं तो फिफ्टीन हंड्रेड यूनिट्स अगर हम बनाते हैं तो कितने मिनट्स लगेंगे सो हियर योर आंसर इज़ फिफ्टीन थाउजेंड मिनट्स आपके ये फिफ्टीन थाउजेंड मिनट्स हैं हमको उसको आवर्स में कन्वर्ट करना है बिकॉज यहाँ पर टू हंड्रेड आवर्स है एक्चुअल तो फिफ्टीन थाउजेंड मिनट्स के अगर मैं आवर्स में uh, कन्वर्ट करूँ तो वन आवर इज इक्वल टू सिक्सटीन सिक्सटी मिनट्स राइट और इसको अगर मैं डिवाइड करती हूं देन इट विल बी टू हंड्रेड एंड फिफ्टी आवर्स ये हो गए आपके स्टैंडर्ड और ये हो गए आपके एक्चुअल राइट right? ये रियल uh, में टाइम लगा है ये टाइम लगना चाहिए ऐसा हम सोचते थे चलिए हम शुरू करते हैं पीस वेज प्लान फार्मूला टाइम ता, अलाउड इन वेज रेट Uh, जितलो समय तमें आपे लो छे मल्टीप्लाई बाय वेज रेट जिसको हम आर भी कहते हैं तो कितलो समय ते आप तो स्टैंडर्ड इज़ आप लो समय तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है जो टाइम हमने दिया है सो इट शुड बी टू फिफ्टी आवर्स इन टू वेज रेट वेज रेट आपका साफ़ है पंद्रह रुपये सो मल्टीप्लाई बाय फिफ्टीन सो टू फिफ्टी इन टू फिफ्टीन एंड आवर आंसर इज़ थ्री सेवन फाइव जीरो रुपीज ओके सो दिस इज़ एज़ पर पीस वेज प्लान टाइम वेज प्लान के हिसाब से टाइम टेकन इन टू रेट कितना टाइम हमने लिया तो हमने टू हंड्रेड अवर्स लिया सो टू हंड्रेड इन टू वेड्रेड इंटू फिफ्टीन सो सो इट इज थ्री थाउजेंड रुपीज आवर आंसर राइट द नेक्स्ट वन इज हेल्थी वेज प्लान हेल्थी वेज प्लान का फॉर्मूला है टाइम टी इंटू आर दैट इज टाइम टेकन इंटू वेज रेट तो आप यहीं से ही ले सकते हैं बट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं ये लिख रही हूँ यहाँ पे टू हंड्रेड इंटू फिफ्टी प्लस फिफ्टी परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड टाइम सेव्ड टी एस कितना समय हमने बचाया हमें दिया कितना था टू फिफ्टी हमने लिया कितना टू हंड्रेड सो टू फिफ्टी माइनस टू हंड्रेड सो आवर टाइम सेव्ड इज फिफ्टी आवर्स ओके सो यहाँ पर मैं लिखूँगी फिफ्टी इंटू रेट तो सेम ही है फिफ्टीन राइट दिस इज थ्री थाउजेंड माइनस फिफ्टीन 50 फिफ्टी 750 फिफ्टी सेवन फिफ्टी का हम करेंगे फिफ्टी परसेंट है ना थ्री सेवनटी फाइव सो योर आंसर फाइव ये प्लस है दिस इज एज पर हेल्थी प्लान नाउ एज पर रोवन प्लान टी इन आर अब मैं वापस नहीं लिखती हूँ टी आर विल बी सेम थ्री प्लस इज ज द टी इन आर कितना आपका वेज टोटल हुआ थ्री थाउजेंड इन टू टाइम सेव कितना था फिफ्टी आवर्स टाइम अलाउड कितना था टू फिफ्टी आवर्स सो हियर इसको सॉल्व करेंगे थ्री थाउजेंड प्लस सिक्स हंड्रेड कैसे आया जीरो जीरो फाइव फाइव सिक्स थर्टी सिक्स हंड्रेड अवर आंसर विल बी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपीज दिस इज एज पर रोवन प्लान अवर वेजेज ओके okay. तो ये है आपके सेवन मार्क्स नाउ यू रियलाइज के हाउ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट सम्स ऑफ डायरेक्ट वेजिस क्योंकि यहाँ पर आपके सात मार्क्स यूं हंसते खेलते आ जाए राइट right? चलिए उसका सेवन मार्क्स का जो हमारे पास फोर्टीन मार्क्स होगा ना तो सेवन 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 मार्क्स का ये जो सम है वो है लेबर टर्न ओवर का नमन लिमिटेड की इंफॉर्मेशन है कैलकुलेट लेबर टर्न ओवर रेट ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन रिप्लेसमेंट फ्लक्स ये तीन मैथड है लेबर टर्न ओवर की एंड इक्विबेलेंट एन्युअल टर्नओवर रेट बाय ऑल थ्री मेथड्स यानी कि मजूरी दर शोधवा सैपरेशन रिप्लेसमेंट एंड फ्लक्स फ्लक्स या बने टोटल है त्र मेथड से त्रेन इक्विवेलेंट एन्युअल रेट शोधना है ओके सो नंबर ऑफ वर्कर्स एट द बिगिनिंग सैवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड शुरुआत वर्कर्स एट देंड आखिर के क्लोजिंग वर्कर्स कितनों ने रिजाइन क्या आपकी नौकरी छोड़ के चले गए एटी कितने रिटायर हुए थ्री ट्वेंटी तो ये दोनों ही आपके सेपरेशन uh, में आएंगे बिकॉज वन इज़ रिजाइन एंड वन इज रिटायर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स न्यूली अपॉइंटेड कितने आपने नए वर्कर्स लिए फिफ्टीन हंड्रेड ऑफ विच थ्री हंड्रेड वर्कर्स वेर टेकन अंडर द एक्सपेंशन प्लान जिसमें से तीन सौ वर्कर ऐसे थे जिनको एक्सपेंशन प्लान के uh, अंतर्गत लिया गया यानी कि ये न्यूली अपॉइंटेड नहीं है मतलब न्यूली अपॉइंटेड बट नॉट बिकॉज ऑफ कि आपको अपने उसी काम के लिए चाहिए थे पर क्योंकि आप दूसरा काम बढ़ा रहे इसलिए चाहिए थे याद रखिए बच्चों जब भी आप आ, नंबर रिप्लेसमेंट मेथड से लेबर टर्न ओवर इट ढूंढे तो न्यूली अपॉइंटेड वर्कर में आप कभी भी एक्सपांशन प्लान के वर्कर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे मैं आपको सम कराती हूँ समझाती जाती हूँ चलिए सबसे पहले सेपरेशन मैथड फॉर्मूला लिख के रेडी है एल टी आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेपरेशन अपॉर्ड एवरेज नंबर इन टू हंड्रेड लेबर टर्न ओवर इट नंबर ऑफ़ सेपरेशन कितने वर्कर्स चले गए तो दो रीज़न से हमारे पास वर्कर गए रिज़ाइन एंड रिटायर रिज़ाइन इज एटी एंड रिटायर इज थर्ट थ्री ट्वेंटी तो मैं एटी प्लस थ्री ट्वेंटी लिखती हूँ एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स का मतलब है कि आपके ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइडेड बाई टू तो ओपनिंग वर्कर है यानी कि बिगिनिंग के हमारे पास सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड क्लोजिंग के हैं हमारे पास एट थाउजेंड फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू हम इसको अगर सॉल्व करते हैं

जिसको हम एल टी आर ढूंढने के बाद ही ढूंढ सकते एल टी आर फाइव परसेंट तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फाइव परसेंट इंटू थ्री सिक्सटी फाइव साल के दिन डिवाइडेड बाई कोई मंथ अलग से प्रिस्क्राइब नहीं किया इसलिए हम थर्टी लेते हैं सपोज़ फेब्रुआवरी लिखा होता तो ट्वेंटी एट और सपोज मे लिखा होता तो थर्टी वन सपोज़ मार्च लिखा होता है तो थर्टी समझ में आया मंथ के ऊपर डिपेंड करता है बिकॉज कोई मंथ स्पेसिफाई नहीं किया इसलिए हम थर्टी लेते हैं हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैन वी सॉल्व दिस थिंग फाइव परसेंट इंटू थ्री सिक्सटी फाइव डिवाइडेड बाय थर्टी सो अवर आंसर विल बी सिक्सटी पॉइंट एटी थ्री परसेंटेज परसेंटेज को हम एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड कर देंगे अब हम बात करते हैं रिप्लेसमेंट मेथड की नंबर ऑफ न्यूली अपॉइंटेड वर्कर नंबर ऑफ न्यूली अपॉइंटेड वर्कर पंद्रह सौ है लेकिन उसमें से थ्री वर्कर एक्सपांशन स्कीम के हैं जो हम माइनस करेंगे एवरेज नंबर हम ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं एट तो हम एज इट इज़ ले लेंगे सो

and our answer will be twenty two forty three point thirty three percentage okay then flux method number of separation number of replacement पहले दो है उनका प्लस ही करना है तो हमारा सेपरेशन uh, flux method में कितना हुआ था तो four hundred हम replacement कितना करा था बारह सौ तीन सौ माइनस करने के बाद average number हमारा eight thousand है इन टू हंड्रेड सो उस हिसाब से हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी ट्वेंटीजन स्टूडेंटर था ट्वेंटी का एल टी आर था जिसमें हमें लेना है तो फिफ्टीन परसेंट इंटू थ्री सिक्सटी फाइव डिवाइडेड बाई थर्टी एंड आंसर विल बी वन एटी टू पॉइंट फाइव परसेंट एंड फ्लक्स मेथड जो है वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी 400 हंड्रेड सेपरेशन बारह सौ रिप्लेसमेंट एट थाउजेंड एवरेज तो इट विल इट विल कम टू ट्वेंटी परसेंट इसका ई आर ढूंढने के लिए एल टी आर ट्वेंटी परसेंट इन टू थ्री सिक्सटी फाइव डिवाइडेड बाई थर्टी एंड हेयर अवर आंसर विल बी टू फोर्टी थ्री पॉइंट थर्टी थ्री परसेंट दिस इज इक्विवेलेंट एनुअल रेट ऑफ फ्लक्स मैथड अगेन आई एम रिपीटिंग जब भी आपको ई आर ढूंढने को बोला हो तो वो ई आर आप आ, हर एक लेबर टर्न ओवर के साथ ही ढूंढेंगे तो जैसे कि हमने यहाँ पर शुरू किया सेपरेशन रिप्लेसमेंट एल टी आर एवरेज ई आर रिप्लेसमेंट का एल टी आर रिप्लेसमेंट का ई ए आर और फ्लक्स का एल टी आर और फ्लक्स का ई ए आर तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सेवन मार्क्स तो सेवन सेवन मार्क्स के दो क्वेश्चन मैंने आपको कराए जो बहुत ही आसान हैं इससे पहले आपको मेरा लेबर डायरेक्ट लेबर का पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे वो देखेंगे तो आप 2019 क्या आप कोई भी यूनिवर्सिटी का पेपर का लेबर का सम सॉल्व कर पाएंगे ओके स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट डेफिनेटली वीडियोज़ अब मैं कोशिश करूंगी डेली डालने का थोड़ा मुश्किल है बट आई विल ट्राई बिकॉज आई एम ऑल्सो मेकिंग वीडियोज़ ऑफ अनदर सेमिस्टर एंड ऑल्सो डिफरेंट सब्जेक्ट ओके okay, फिर भी आई विल ट्राई चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय स्टूडेंट्स